मतदान का डेटा रिलीज करने में देरी पर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग ने हर सवाल का जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि देर को लेकर उठ रहे सवाल बेकार है, शक का कोई इलाज नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के आंकड़ों में हमने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और इसी तरह चुनाव आयुक्त ने माना है कि चुनाव की प्रक्रिया इस बार लंबी खींच गई है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर के पहले और पूरी जानकारी दी गई है और कहते हैं कि वोटिंग के आंकड़े देने में देरी भी नहीं की है सीईसी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या क्यों नहीं कर सकते उसको, मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताया, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया आयोग पता नहीं क्या करता है, आयोग कुछ नहीं करता, आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर करते। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। चलिए इस खबर पर और विस्तृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, विपक्ष का यह सवाल और खुलकर जवाब दिया है सीईसी ने, चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए, शायद म्यूट है। चलिए, संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आवाज हम सभी तक पहुंच पा नहीं रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको जोड़ें। लेकिन मतदान का यह डेटा रिलीज करने में देरी पर आज चुनाव आयोग ने हर सवाल का जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देरी को लेकर उठ रहे सवाल बेकार के हैं, शक का कोई इलाज नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के आंकड़ों में हमने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और इसी तरह चुनाव आयुक्त ने माना है कि चुनाव की प्रक्रिया इस बार लंबी खींच गई है। 7 चरणों का जो ये मतदान, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और उस सवाल का जवाब दिया है सीईसी ने। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि शक का देखिए कोई इलाज नहीं है, आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, गर्मी में चुनाव प्रक्रिया छोटी होनी चाहिए थी। विपक्ष के सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त का यह जवाब है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। संजय, खुलकर जवाब दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, एक एक जो भी सवाल थे विपक्ष की तरफ से, जो हमले हो रहे थे उसका सामना करते हुए सीईसी ने जोरदार जवाब दिया है, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है अभी? जी हाँ, बिल्कुल आशुतोष, हम पिछले 3 दिनों से आयोग से यही पूछ रहे थे कि आंकड़े क्या हैं, आंकड़े बताए जाएं, कितनी शिकायतें मिली, उनका निवारण कैसे हुआ, किन पार्टियों ने शिकायत की, कौन लोग थे। तो आयोग इसीलिए उसका जवाब देने में टाल रहा था क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अगर हम टेक ओवर बताएं कि जो हम टेक अवे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज की आयोग ने यह बताया कि चुनाव कितने चुनौतीपूर्ण होते हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए पोलिंग टीम जाती है, कैसे हमारे देश हमारे इस चुनाव ने रिकॉर्ड बनाया है 27 देशों की के वोटरों को अगर पूरा मिला दें उससे ज्यादा हमारे वोटर्स ने पोलिंग की है, और इसके साथ ही उन्होंने ये बोला कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये कि चुनौतियां न केवल चुनाव कराने की होती हैं, चुनाव के बीच में भी चुनौतियां होती हैं, जो नैरेटिव सेट करने की बात है उसमें सीधे सीधे ना कहकर आयोग की बातें सुनकर यही लगता है कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो लोकतंत्र विरोधी, चुनावी प्रक्रिया विरोधी और नैरेटिव सेट करने वाले हैं। वो नैरेटिव ऐसे हैं जिनको अफवाहों से ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही आयोग ने यह कहा कि उन्होंने एक सबक ये लिया है इस चुनाव से कि चुनाव इतनी गर्मियों में नहीं कराए जाने चाहिए, 1 महीना पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आइंदा जब 2029 और उससे आगे के चुनाव होंगे तो निर्वाचन आयोग ये याद रखेगा कि चुनाव अप्रैल आखिर तक पूरे कर लिए जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, उसके बाद मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हैं मतदाताओं के लिए भी और चुनावी प्रक्रिया के लिए भी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं पोस्टल बैलेट को लेकर, तो चलती चुनाव प्रक्रिया में इसे नहीं बदला जा सकता है और जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद विपक्ष कहां चला जाता है। ठीक है संजय जी, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर, दर्शकों को अपडेट करने के लिए।